हेलो एवरीवन, मैं जाकिर हुसैन स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने इस चैनल पे नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रेगुलर मैं टेक्निकल जो टॉपिक्स होते हैं, बहुत काम के टॉपिक्स होते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को अवेयर करता हूं और अपनी एजुकेशनल टेक्निकल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ सामने स्कूटर का एक इंजन है जो कि होंडा एक्टिवा स्कूटर का इंजन है। दोस्तों, तो ये मेरी वीडियो है, वो बहुत इंटरेस्टिंग आज होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप कोई पार्ट इसमें डालते हैं, जैसे कि आज मैं इस गाड़ी के अंदर क्रैंक असेंबली बदलने वाला हूँ, उसके अंदर स्टेटर असेंबली जो मैग्नेटो असेंबली होती है वो भी बदल रहा हूँ, पिस्टन है, पूरा ओवरऑल पूरा कंप्लीट इंजन का काम होगा इसके अंदर, बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे पार्ट्स में चेंज करेंगे। तो जब दोस्तों पार्ट खरीदने के लिए या तो आप डीलरशिप पर जाते हैं, होंडा के शोरूम पर अगर लाते हैं जेन्युइन पार्ट, वहाँ जाते हैं, या किसी पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर या पार्ट वाले की दुकान पर जाते हैं, तो बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो HET होते हैं, वो आपसे पूछता है कि आपका जो स्कूटर है होंडा एक्टिवा वो HET है या नॉन HET है। तो HET का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे और कैसे आप जान सकते हैं कि बिना पार्ट साथ में ले जाए गाड़ी का चेसिस नंबर या इंजन नंबर देख के आप किस तरह से पहचान कर सकते हैं कि गाड़ी को आप दुकानदार को क्या जाके बोलेंगे, कौन सी गाड़ी का आप काम कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी को आप रिबिल्ड करने वाले हैं, किसका आपको पार्ट चाहिए। तो HET का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो आगे बात करेंगे। तो भाई HET जो होता है उसका मतलब होता है होंडा इको टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, होंडा एक्टिवा जो गाड़ी आती है वो होंडा की टेक्नोलॉजी है, जो कि जापानी बेस्ड कंपनी है HMSI। होंडा का जो गाड़ी है, स्कूटर आते हैं, बाइक्स भी आती है, उन पर भी लिखा हुआ था, आपने साइड पैनल पर देखा होगा, साइड के जो पैनल्स होते हैं स्कूटर के, जैसा कि मेरे पीछे एक स्कूटर खड़ा हुआ है इसके, भाई यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा पास पर लाके, यहाँ पर मेंशन है HET, जिसका कि मतलब होता है होंडा इको टेक्नोलॉजी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से लिखा हुआ होता है। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि गाड़ी का जो पार्ट है, मान लो क्रैंक आप बदल रहे हैं या क्रैंक की जो पिन होती है स्मॉल एंड होता है कनेक्टिंग का, उसके अंदर चेंज होता है, जो HET मॉडल होता है उसकी पिन जो होती है वो छोटी और अलग आती है, जो नॉन HET स्कूटर्स होते हैं उनकी क्रैंक अगर आप चेंज करेंगे तो उनका जो साइज़ होता है स्मॉल एंड का क्रैंक के अंदर पिन जो लगती है, पिस्टन पिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पिन लगती है पिस्टन के बीच में, इस पिन के अंदर जो पिन आती है उसके साइज़ का फ़र्क होता है नॉन HET में। तो आपको केवल इंजन नंबर और चेसिस नंबर ही देख के आप समझ जाएंगे, मेरी वीडियो अगर आपने पूरी देखी तो आप समझ जाएंगे कि आपको चेसिस नंबर देख के पता लग जाएगा गाड़ी HET है या नॉन HET है, क्योंकि बाहर के जो पार्ट हैं वो तो बहुत सारी बार रिपेंट भी हो जाते हैं, बहुत सारे स्टिकर हटा भी दिए जाते हैं, तो कन्फ्यूजन रहता है कि पार्ट गलत आप खरीद के ले आए और अगर मान लो आपको काम नहीं आया तो बहुत नुकसान आपका हो जाता है, कितनी बार दुकानदार वापस नहीं ले पाता उस पार्ट को, और कस्टमर भी अगर पार्ट खरीद जाते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं बहुत सारे कस्टमर भी, तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कि अगर वो पार्ट खरीदने जा रहे हैं तो बता पाएंगे दुकानदार को या डीलरशिप शोरूम वाले को कि मेरा जो स्कूटर है वो HET है या नॉन HET। दोस्तों, तो HET का मतलब होता है होंडा इको टेक्नोलॉजी। अब ये क्रैंकेस मेरे सामने है दोस्तों, इस क्रैंकेस के ऊपर मैं आपको इंजन नंबर यहाँ पर मेंशन है, क्रैंकेस के ऊपर ये नंबर आपको दिखाता हूँ, आप शायद देख पा रहे होंगे। अब जो स्कूटर का नंबर आपको क्लियर दिख रहा है, मैंने इसको जूम आउट कर दिया है, आप इसके नंबर देख रहे हैं इंजन पे जो मेंशन है JF50E, ये जो स्टार्टिंग के जो 5 डिजिट हैं JF50E, ये देख के मैं बोल सकता हूँ कि ये जो गाड़ी है ये HET स्कूटर है, होंडा इको टेक्नोलॉजी इस गाड़ी को कहा जाता है। इसकी जो क्रैंक है, क्रैंक अलग तरह की आएगी, अलग पार्ट नंबर की आएगी, पिस्टन जो होगा वो भी HET के नाम से आएगा, मैग्नेटो असेंबली, कार्बोरेटर, बहुत सारे पार्ट जो कि इंजन लगने वाले हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट भी होते हैं, बैकलाइट का लोअर स्टैंड हो गया, ये सभी इस तरह से आएंगे। अगर यहाँ पर JF50E की जगह कुछ और अगर लिखा हुआ है डिजिट, तो आप समझ सकते हैं कि वो गाड़ी नॉन HET। दोस्तों, तो ये तो आपको मैंने इसके अंदर दिखाया JF50E, ये HET है। अब मैं आपको एक दूसरी गाड़ी जो मेरे पास में, उसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर दिखाता हूँ, और आपसे एक PDF पेपर भी शेयर करूँगा, जिसको कि आप चाहें तो सेव रख सकते हैं, तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि पार्ट आपका HET वाला स्कूटर का खरीदना चाहते हैं आप या नॉन HET पार्ट खरीदना चाहते हैं। तो एक बार मेरे पास दूसरा जो स्कूटर है उसके पास मैं ले चलता हूँ, उसके इंजन नंबर और चेसिस नंबर आपको दिखाता हूँ, लियो कैमरा पास। तो दोस्तों, मेरे सामने ये स्कूटर है, अगर आप स्कूटर अलग शहर का होता है कितनी बार तो पता लग नहीं पाता कि HET मॉडल है नॉन HET मॉडल है, जैसा कि इस स्कूटर का मैंने इंजन ओवरऑल का काम अभी रिसेंटली आज ही किया है, इसमें आप देख पा रहे हैं कनेक्टिंग सेट वगैरह सारे रिप्लेस किए गए हैं। तो HET और नॉन HET की जो स्मॉल एंड की मैं बात कर रहा था, ये जो कनेक्टिंग होती है इसको कहा जाता है बिग एंड, जो बड़ा वाला होल होता है इसको बिग एंड बोला जाता है, क्रैंक का ये एंड होता है, यहाँ पर ये बड़ा वाला एंड है और ये छोटा वाला एंड है स्मॉल एंड, इस पिन की साइज़ में फ़र्क होता है HET नॉन HET में। इसके अंदर हमने क्रैंक के बेयरिंग चेंज किए हैं, इस गाड़ी के अंदर पिस्टन वगैरह ओवरऑल सभी कुछ पार्ट का इसमें काम हुआ है। तो जब मैं पार्ट खरीदने जाते हैं हम लोग या ऑर्डर करते हैं तो इसी बेस पर करते हैं, जो कि हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर ही हमें पता होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर मेंशन है JF
50E। तो दोस्तों आपके सामने ये एक और स्कूटर है जो कि पूरा कंप्लीट स्कूटर है, इंजन का ओवरऑल का हमने इसमें काम किया था। तो इसके ऊपर यहाँ देख रहे हैं HET इसके स्टिकर पर यहाँ मेंशन है दोस्तों, लेकिन ये स्टिकर तो कितनी बार डैमेज होते हैं, रिपेंट भी होती गाड़ी, तो मिलते हैं तो लगा देते हैं मैकेनिक भाई, और कितनी बार ये अवेलेबल नहीं होते हैं तो नहीं लगाते हैं, तो कन्फ्यूजन रहता है कि गाड़ी HET है नॉन HET। तो आप इसके जो इंजन नंबर हैं वो भी आप देखें, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम दिखाई दे रहे हैं, JF50E। आगे के जो इसके 5 केवल डिजिट हैं इंजन के, ये आप समझ लीजिए JF50E अगर है, इसका मतलब ये HET स्कूटर ही है। और मैं आपको इसके चेसिस नंबर जो होते हैं, विन नंबर, वो भी एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप देख पाएँ। और ME4JF50 आ गया, इसका मतलब गाड़ी HET है। और अगर HET गाड़ी नहीं होगी, अब तो ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं ME4JF50, इसका मतलब ये गाड़ी HET है। और मैं आपको अब नॉन HET गाड़ी दिखाता हूँ, तो कैसे आप फ़र्क चेसिस नंबर और इंजन नंबर देख के समझ पाएंगे, उसके लिए आपको 4JF50 की जगह JC44 यानी 44 आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, वो गाड़ी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी के पास ले चलता हूँ कैमरे को। अब ये जो स्कूटर है दोस्तों, इसके अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ भी मेंशन नहीं है, यहाँ पर कोई HET वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप चेसिस नंबर और इंजन नंबर देख के ही आप समझ सकते हैं कि गाड़ी HET है या नॉन HET। तो अभी देखिए इसके इंजन नंबर जो है JC44 का मतलब जो है वो इंजन अगर होगा लिखा हुआ तो ई लिखा होगा लास्ट में, तो JC44 का मतलब होता है गाड़ी नॉन HET वाला गाड़ी है। इसका जो कनेक्टिंग होगा वो अलग तरह का होगा, इसके जो बॉडी पार्ट होंगे बहुत सारे, क्लच की जो वेरिएटर होगा वो भी अलग तरह का होगा, प्लस पिस्टन की साइज बहुत सारी अलग होगी इसके अंदर। अब इस गाड़ी का मैं आपको चेसिस नंबर भी दिखा दूंगा, और लास्ट में आपको एक PDF दिखाऊंगा, उसको आप नोट कर लें चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, ताकि आप इजी समझ पाएँ कि वो देख के ही आपको पता लग जाएगा कि आप जब पार्ट लेने जाएंगे तो आपको क्या बोलना होगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस गाड़ी के चेसिस नंबर के अंदर जो मेंशन है ME4JC, बहुत थोड़ा चुका ना भाई, बस ठीक है। दोस्तों यहाँ से आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे इस जगह से ME4JC44 का मतलब ये गाड़ी नॉन HET है दोस्तों। ये आपको मैं चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आगे के नंबर का, ME4JC44 JC44 अगर लिखा हुआ है तो गाड़ी नॉन HET है। तो दोस्तों इसके अंदर हम मैग्नेट असेंबली बदलने वाले हैं, जिसका कि पार्ट नंबर यहाँ पर मेंशन है दोस्तों, तो KWP पार्ट नंबर और WPG पार्ट नंबर का मतलब ये होता है WPG पिस्टन अगर होता है इस तरह से, अगर उसका डब्बा दिखाता हूँ पिस्टन जो इसमें डालने वाला हूँ मैं, आप अगर यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर भी HET मेंशन है, इस जगह देखिए 110cc HET यहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर, इसका मतलब होंडा इको टेक्नोलॉजी होता है। लेकिन आप चेसिस नंबर और इंजन नंबर जैसे मैंने बताया उस तरह से अगर आपने याद कर लिया तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि पिस्टन छोटी पिन का लेना है बड़ी पिन का, है कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। वैसे ही हम इसमें बदलने वाले हैं क्रैंक असेंबली, तो क्रैंक असेंबली का जो पार्ट नंबर होता है वो हम इसमें लगा रहे हैं 13000KWP D02, ये HET का पार्ट नंबर है दोस्तों, जो कि आप देख रहे हैं इसके अंदर मैग्नेटो असेंबली लगाने वाले हैं। साथ ही दोस्तों अब मैं आप ये पीछे वाला जो इसका कितनी बार ये बॉडी का पार्ट होता है, जो बैकलाइट का नीचे का लोअर पैनल होता है इसका, ये आप देखिए यहाँ पर इसका नाम भी मेंशन है कवर RR सेंटर लोअर, ये भी हम बदल रहे हैं, जो कि इस तरह का होता है इसका बैकलाइट के नीचे वाला जो कवर होता है वो ये होता है, लेकिन ये भी HET नॉन HET में डिफरेंस आता है दोस्तों। जैसे बहुत सारे बॉडी पार्ट और बहुत सारे इंजन के पार्ट इन सभी में चेंज आता है, तो आप इस वीडियो को अगर पूरी देखेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है आपके लिए। अब मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ जिसपे कि मैंने पूरा लिया हुआ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। इसके ऊपर आप देखेंगे सबसे पहले होंडा इको टेक्नोलॉजी HET का जो मतलब होता है वो लिखा हुआ है, और अगर आपके इंजन नंबर इंजन का नंबर JF50 इसे स्टार्ट हो रहा है जो कि ये वाला है, तो वो आपकी HET गाड़ी है। और अगर चेसिस नंबर जो होता है बॉडी फ्रेम नंबर
ME4JF50 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब आपका गाड़ी HET का चेसी नंबर है। दोनों में से एक कोई भी लगाएंगे, दोनों में एक चीज़ कॉमन दिखेगी आपको, JF50 जहाँ दिखता है इसका मतलब HET वाला इंजन और बॉडी है आपकी गाड़ी का, वो पार्ट HET लगेंगे। और आप नीचे वाले में देखेंगे तो इंजन नंबर में JC44 होगा, JC44, और नीचे वाले ME4JC44 और JC44 जहाँ पर आता है वो मतलब नॉन HET गाड़ी है, HET नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा कॉमन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। और ऐसी टेक्निकल वीडियो रेगुलर मेरे चैनल पे आती रहती है दोस्तों। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जो मैकेनिक भाई दोस्त हैं उनको भी आप शेयर करें दोस्तों। और बहुत सारे मैकेनिक भाई मुझसे बात करना चाहते हैं, उनका बहुत सारे पर्सनली सवाल होते हैं जो वीडियो के ऊपर यूट्यूब पर कमेंट नहीं करके मुझे पर्सनल बात करना चाहते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती है उनको, बहुत सारे टेक्निकल इशू होते हैं उसके लिए भी वो बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम ID में यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, तो आप उस पर भी मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगती है, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है दोस्तों, यहाँ तक आपने देखी है, अगर आपको कोई हेल्प मिली है, जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत लोगों का इसमें कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे मैकेनिक भाइयों की मैंने शायद आज मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि उनको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा HET और नॉन HET के अंदर। तो दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है, अगर आपको कोई थोड़ी सी भी हेल्प मिली वीडियो से, तो ज़रूर आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में फैलाएं। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।